के इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण सारी ट्रिक है। मुझे लगता है कि उससे आसान कोई ट्रिक हो नहीं सकती है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। जैसे आपका दे दिया गया 10% प्लस 20%, दूसरा दे दिया 10% प्लस 10%, दूसरा हो गया आपका 10% प्लस 20%, तीसरा हो गया 10% प्लस 30%, चौथा हो गया आपका 10% प्लस 40%, पांचवा हो गया आपका 10% प्लस 50%, छठा हो गया आपका 10% प्लस 60%, इसी तरह से अगला देखते हैं 10% प्लस 70% और आठवां 10% प्लस 80%, 10% प्लस 90%। इनका हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट या संतुल बट्टा ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान सा होता है। सबसे पहले आप क्या करें, 10 कितना हो गया 20, माइनस 1 इक्वल टू 90% हो गया। फिर यहाँ पर क्या किया आपने, 10 प्लस 20 माइनस 2 इक्वल टू 28% हो गया। तीसरे में क्या हो गया, 10 प्लस 30 माइनस 3 इक्वल टू 37% हो गया। नेक्स्ट में आप करेंगे 10 प्लस 40 माइनस 4 46% आ गया। और आगे आप जब जाएंगे 10 प्लस 50 माइनस 5 इक्वल टू 55%, और नेक्स्ट 10 प्लस 60 माइनस 6 इक्वल टू 64%। इधर आ जाते हैं 10 प्लस 70 माइनस 7 इक्वल टू 73%, 10 प्लस 80 माइनस 8 इक्वल टू 82%, नेक्स्ट 10 प्लस 90 माइनस 9 इक्वल टू 91%। ये आपके इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करने का सबसे आसान तरीका। आप देख क्या रहे हैं, आपने इन दोनों को प्लस किया, माइनस क्या किया, ये 1, 10 प्लस 10 20 माइनस 1 19, इसमें क्या किया 10 प्लस 20 माइनस 2, यानी कि हम ये नंबर माइनस कर दे रहे हैं इनको दोनों को ऐड करके। और जो इसमें हमारा टेंस प्लेस पर नंबर है, जैसे 10 में 1, 20 में 2, 30 में 3, 40 में 4, 50 में 5, 60 में 6, ऐसे 70 में 7, 80 में 8 और 90 में 9, मतलब जो भी दो डिस्काउंट दिए हैं, 10 प्लस 10 20 माइनस 1 19, 10 प्लस 20 30 माइनस 2, 10 प्लस 30 माइनस 3, 10 प्लस 40 माइनस 4, 10 प्लस 50 माइनस 5, 10 प्लस 60 माइनस 6, 10 प्लस 70 माइनस 7, 10 प्लस 80 माइनस 8, 10 प्लस 90 माइनस 9। तो ये आपका दो क्रमिक बट्टे कर दिए हैं, उनका समतुल बट्टा आपको ज्ञात करना है या इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करनी है। तो इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता। इसको रट लें, ये आप कभी भूलने वाले नहीं है, और इससे एक नया क्वेश्चन अवश्य आता है। धन्यवाद।